स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास, आई एम सिमरन मैम, योर इंग्लिश टीचर. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन अवर क्वेश्चन आंसर ऑफ सेकेंड चैप्टर. नाउ अवर चैप्टर इज कम्प्लीट. इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अवर थर्ड चैप्टर. अवर चैप्टर नेम हु इज रियली हैप्पी. ओके, नाउ वी स्टार्ट. लॉन्ग एगो, बहुत पहले, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था. ही वॉज वेरी ग्रेडी. ग्रेडी का मतलब होता है लालची. वह बहुत लालची था. ही डिड नॉट हेजिटेट टू टेक द लाइव्स ऑफ सिंपल पीपल टू असर्व देयर वेल्थ एंड प्रॉपर्टीज. वेल्थ एंड प्रॉपर्टीज का मतलब होता है धन और समृद्धि. असर्व, हड़पना, हेजिटेट, संकोच. उनके धन समृद्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने आम लोगों की जान लेने में कभी कोई संकोच नहीं किया. ही वॉज क्रूअल, सेल्फिश एंड अनजस्ट. क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी. सेल्फिश का मतलब आप जानते हो स्वार्थी. और अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायी. वह बहुत ही निर्दयी, अन्यायी और स्वार्थी था. ही वॉज वेरी लेजी टू. लेजी का मतलब होता है आलसी. और वह आलसी भी था. ही हैड ए बिग पैलेस, ब्यूटिफुल क्वींस, गोल्ड एंड प्रॉपर्टीज. बिग पैलेस का मतलब होता है बड़ा महल. उसके पास बड़ा महल, सुंदर रानियां और गोल्ड और प्रॉपर्टीज, धन और समृद्धि थी. येट ही ऑलवेज थॉट द ग्रोविंग ऑर्डर. येट का मतलब होता है फिर भी. लेकिन फिर भी वह हमेशा और ज़्यादा अमीर बनने के बारे में सोचता था. बट ही हैड नो पीस इन हिज माइंड. पीस का मतलब होता है शांति. लेकिन उसके दिमाग में शांति नहीं थी. As he did not any do work, इसलिए क्योंकि वह कोई भी काम नहीं करता था. He was always sick. वह हमेशा क्या रहता था, बीमार. Sick क्या मतलब बीमार. Doctors examined and treated him. Exam का मतलब होता है परीक्षण और treated जांच. Doctors हमेशा उसकी क्या करते रहते थे, परीक्षण करते रहते थे और जांच करते थे. But all in vain. लेकिन सब कुछ क्या था, व्यर्थ था. वैन का मतलब होता है व्यर्थ. ही पुट द ब्लेम ऑन द डॉक्टर्स. उसने सारा ब्लेम डॉक्टर्स पे डाल दिया. एंड पुट दैम इन प्रिजंस. प्रिजन का मतलब होता है जेल. और डॉक्टर्स को किस में डाल दिया, जेल में डाल दिया. वन डे ए डॉक्टर केम टू हिज कोर्ट. कोर्ट का मतलब होता है दरबार. एक दिन एक डॉक्टर दरबार में आया, उसके दरबार में आया. हीज कॉर्ट्रेस एडवाइज हिम टू रन अवे टू सेव हिज लाइफ. कॉर्ट्रेस का मतलब होता है दरबारी. दरबारी ने उसे सलाह दी कि आप यहाँ से भाग जाओ, अपनी लाइफ को बचाना चाहते हो तो. दे सेड दैट द किंग वॉज नॉट सिक. वे बोले कि जो राजा है वह बीमार नहीं है. बाय बॉडी बट बाय हिज माइंड. जो राजा है वो शरीर से बीमार नहीं है, लेकिन किससे बीमार है, माइंड, अपने दिमाग से बीमार है. इफ़ ही कुड नॉट क्योर हिम. क्योर का मतलब होता है इलाज. यदि उनका इलाज नहीं हुआ, ही वुड बी थ्रोन बिहाइंड द बार्स. बार्स का मतलब होता है जेल और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. यदि इसमें कह रहा था यदि वह उसका इलाज नहीं कर पाया तो उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाए. फिर है द डॉक्टर्स है. डॉक्टर्स ने कहा आई डू नॉट फियर ऑफ डेथ. मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता. आई ट्रस्ट गॉड. मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ. ही एलोन क्योरिज. वह अकेला इलाज करेगा. विदाउट मैं अकेला इलाज नहीं कर सकता. विदाउट हिज ब्लेसिंग नो डॉक्टर कैन डू एनीथिंग. बिना वरदान, बिना आशीर्वाद, सॉरी, बिना भगवान या किसी के आशीर्वाद या वरदान के बिना जो डॉक्टर है वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाता या कर सकता है. ठीक है क्लास, थैंक यू.